अभी इस वक्त हम आपको सीधे बीजेपी ब्रीफिंग में लिए चलते हैं जहां पर पूर्व आईएएस शामिल हो रही है। दिया उन्होंने बेटियों को खास तौर पर उन्होंने शिक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया और उसका परिणाम स्वरूप मैं ऑफिसर बन गई। आईआरएस 1987 में मैं आईआरएस ऑफिसर बनी, दो बार और एग्जाम दिया, दोनों बार फिर मेरा आईएएस और आईएफएस और आईबीएस में सिलेक्शन हुआ। तो आईआरएस में चलती रही, परिवार से सब ठीक रहा, लेकिन बचपन के जो संस्कार थे उसके कारण मन में हमेशा ये रहता था कि जिस समाज से मैं आती हूँ उस समाज के लिए मुझे अलग से कुछ काम करना चाहिए। परिवार की देखभाल तो हर गृहिणी करती है, मैं भी एक अच्छी गृहिणी बन के रही, एक अच्छी माँ बन के रही, एक अच्छी पत्नी बन के रही। मैंने बहुत काम किया उनके लिए, परिवार को पढ़ाया, फिर धीरे धीरे लगभग 10-12 साल से समाज के लोगों के लिए उनके लिए काम करना शुरू किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को घर घर पहुँचाने का काम किया और एक संगठन भी हमने बनाया, बहुजन सम्यक संगठन उसका नाम है, और उसके माध्यम से देश के हर दलित शोषित वंचित और पिछड़े हुए तक पहुंचने का काम किया। इन 10-12 सालों में समाज की सेवा करते करते मैंने ये सोचा कि समाज के लोगों को राजनीति में हमारे अच्छे प्रतिनिधित्व देने वाली कोई पार्टी है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आज इनकी विचारधारा ऐसी नहीं कि किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा हो या किसी व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि की विचारधारा हो, पूरे राष्ट्र की विचारधारा है, राष्ट्र हित में सोचते हैं। और बाबा साहब यहाँ पे एक सामने पोस्टर भी लगा हुआ है कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, ये बाबा साहब ने उस समय कहा था। बाबा साहब ने अपने विचारों के माध्यम से जो हमें संविधान दिया, उस संविधान को सैद्धांतिक रूप से यदि कोई लागू कर रहा है तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उनकी कार्यशैली, उनके विचारों से मैं स्वयं इतनी प्रभावित थी। मैंने उनके कार्यशैली को देखा, उसको उसका चिंतन किया, मनन किया और मैं दिल से जुड़ गई। मुझे लगा कि मैं मुझे काम करने का अवसर यदि मुझे मिल जाए तो मैं भी पार्टी के माध्यम से अपने समाज की सेवा कर सकती हूँ, इस देश की सेवा कर सकती हूँ और हम सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं, इस बात को मैं चरितार्थ कर सकती हूँ। यही सोच करके मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अध्यक्ष जी के और संपर्क में आई, उन्होंने मुझे काफ़ी हौसला दिया, काफ़ी मेरा उत्साह बढ़ाया और मुझे बहुत सम्मान प्रतीत हो रहा है। मुझे बहुत अत्यंत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे जीवन का एक संकल्प है, उस संकल्प को मैं सिद्ध करना चाहती हूँ और वो है कि इस देश के जितने भी वंचित पिछड़े हुए लोग हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसा काम करें जो कि हमारे पार्टी के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने का जो उनका जो संकल्प है वो अवश्य पूरा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपनी सेवाएं देना चाहती हूँ। मैं उनको एक नायक मानती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी एक ऐसे नायक हैं जिन्होंने मुसीबत के समय सेवा की है, संभाला है, साथ नहीं छोड़ा। विश्व महामारी में जब भारत भी महामारी की चपेट में आया तब उनका ही नेतृत्व था कि हमने न सिर्फ महामारी का कसकर मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया, बल्कि विश्व के अनेक देशों में हमने अपने यहाँ से सहायता पहुँचवाई, मेडिकल सपोर्ट पहुँचवाई, हमारी जो वैक्सीन है वो कामयाब हुई। तो ये उन्हीं का नेतृत्व है, उन्हीं का नायकत्व है कि आज विश्व के सबसे बड़े एक पावर सेंटर में आज माननीय मोदी जी वहाँ पर एक हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतना सम्मान उनको मिल रहा है। ये सम्मान हर भारतीय का सम्मान है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और बस मैं विचारधारा से जुड़ गई। मुझे लगा कि पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा यदि सही को सही और गलत को गलत हम ना कह सकें। तो उस सही और गलत को मैं चुन करके मैं आज सही के साथ जुड़ गई हूँ और मैं चाहती हूँ कि पार्टी मेरी सेवाएँ एक कार्यकर्ता के तौर पर जिस भी रूप में पार्टी मुझे काम देगी मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी और हमारे सभी साथी जो भी हमें काम देंगे मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ भी जो भी काम मेरे लायक होगा मैं करूँगी कार्यकर्ता के तौर पर। बहुत धन्यवाद।
सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जहां पर पूर्व आईआरएस अधिकारी प्रीता हरित ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और इस मौके पर उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए।